ज्ञानवापी केस में आज बड़ा दिन, आज आ सकता है वाराणसी कोर्ट का फैसला। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में किया जाएगा पेश। कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगे थे 2 दिन। मस्जिद में पूजा की मांग करने वाली याचिका पर भी सुनवाई आज। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी वाराणसी कोर्ट में दायर कर सकता है याचिका। शिवलिंग के पूजा और अभिषेक की इजाजत मांगेगा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर करीब 12:30 बजे सुनवाई हो सकती है। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। आज आ सकता है वाराणसी। ज्ञानवापी मामले को लेकर कोई फैसला। शिवलिंग के पूजा अभिषेक की इजाजत मांगेगा काशी विश्वनाथ। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर करीब 12:30 बजे सुनवाई हो सकती है। शिवलिंग के पूजा अभिषेक की इजाजत मांगेगा काशी विश्वनाथ। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर करीब 12:30 बजे ये सुनवाई हो सकती है। शिवलिंग के पूजा अभिषेक की इजाजत मांगेगा काशी विश्वनाथ। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दोपहर 12:30 बजे सुनवाई हो सकती है। शिवलिंग के पूजा अभिषेक की इजाजत मांगी जाएगी। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक वाली याचिका पर 12:30 बजे के करीब ये सुनवाई हो सकती है। तो ज्ञानवापी केस के लिए आज एक बड़ा दिन है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के बाद अब निगाहें इस पर टिकी हुई है, उन तथ्यों पर जो सैकड़ों साल की प्रतीक्षा खत्म करेंगे। करीब 350 साल पुराना इतिहास एक बार फिर सबूतों के साथ सामने आ खड़ा होगा। इसमें एक सबूत मस्जिद के वजूखाने में मौजूद शिवलिंग का भी है, जिसे लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क है। तो क्या अब तक उठते सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या इस मुद्दे पर अब एक तरफा हुई राजनीति बंद हो जाएगी? क्या न्याय का रास्ता खुलेगा? आखिर क्या है ज्ञानवापी से जुड़ा वो रहस्य जिसको जानबूझकर अनदेखा किया गया? साढ़े 350 साल से ज्यादा पुराना रहस्य बेपर्दा हो चुका है। ज्ञानवापी का सत्य ।1669 में औरंगजेब का पाप 2022 में होगा साफ। आवा मिल गए दिल खोजा तिल पाइया गहरे पानी बैठ काशी एक करवट ले रही है। करीब 350 साल से ज्यादा वक्त के बाद काशी करवट बाबा विश्वेश्वर के उस रूप पर मुग्ध है, जिसे देखकर कभी काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में मौजूद नंदी आघाते थे, तृप्त होते थे। सैकड़ों साल पहले जिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सनातनी खुद को धन्य मानते थे, क्या ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिला शिवलिंग हिंदुओं के आराध्य वही विश्वेश्वर है? बहुसंख्यक हिंदू आबादी के आराध्य के मंदिर के गर्भगृह और मंडप को जितना हो सका औरंगजेब की भेजी इस्लामिक सेना ने ध्वस्त किया, लूटा। इतना ही नहीं, मंदिर के मलबे पर ही ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। सारे पत्थरों के जो टूटे फूटे पत्थरों के अवशेष हैं, उन पे जो कलाकृतियां बनी हैं, वर्तमान में जो ढांचा हमारा क्षतिग्रस्त दिख रहा है, उस पर जो कलाकृतियाँ हैं वो सब उन पत्थरों पर मौजूद है। सेम पत्थर वही हैं, चाहे आप फोटोग्राफी के माध्यम, वीडियोग्राफी के माध्यम से ले लो, और चाहे आप खुद चल करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय भी आ जाएं तो देख लें, उनको भी मंदिर ही लगेगा। पुरानी किताब मसीरे आलमगिरी में पूरी घटना का जिक्र मिलता है।
कि 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने आदेश दिया था। इसमें पाकिस्तान के टट्टा और मुल्तान में मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश थे। इसके साथ ही बनारस के तमाम मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश जारी किया गया था। इसी किताब में आगे जिक्र है कि 2 जून 1669 को औरंगजेब की सभा में उसे ये जानकारी दी गई कि उसके फरमान पर अमल किया जा चुका है, यानी टट्टा मुल्तान और बनारस के मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका है। कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में धर्मांध और बर्बर इस्लामिक शासक औरंगजेब के फरमान की कॉपी मौजूद है। आज से करीब 31 साल पहले यानी 1991 में सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। करीब 30 साल बाद 2021 में कोर्ट ने याचिका पर सर्वे के आदेश दिए। एएसआई को सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया और सिविल कोर्ट के मस्जिद के सर्वे वाले आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सवाल यह है कि आखिर मस्जिद पक्ष को सर्वे से दिक्कत क्या थी? आखिर किस बात का डर था जो कानूनी लड़ाई से वो पीछे हटता रहा? जवाब है मंदिर पक्षकारों के हक में मजबूत ऐतिहासिक तथ्य, तर्क और प्रमाण। अब ये तस्वीर जो है आप साफ साफ देखिए, ऐसे तो आपको इसलिए नहीं समझ में आएगा कि पत्थरों के ढेर हैं, लेकिन चूंकि तहखाना भी बहुत बड़ा है, तहखाना कोई छोटा नहीं है, और क्लोजअप फोटो लिया गया। अगर आप तहखाना खोल करके और सभी चीज़ों को देखेंगे तो स्पष्ट हमारे जो टूटे फूटे उस मंदिर के स्ट्रक्चर हैं, पत्थर हैं विभिन्न कोणों के, छोटे बड़े लंबे, तो वो सब चीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद दिखाई देता है। कट्टरपंथी, जिद्दी और शातिर घेरेबंदी पिछले करीब 30 सालों में ऐसी हुई कि आंखों से साफ दिख रहे तमाम प्रमाणों, तथ्यों की घोर अनदेखी करते महादेव के मंदिर पर बहुसंख्यक हिंदुओं के दावे को खारिज किया जाता रहा। बात न्याय और अन्याय की है। क्या आस्था के सम्मान का अधिकार सिर्फ एक पक्षी है? जिस तरह की भड़काऊ और धमकी भरी सियासत मुस्लिम कट्टरपंथी नेता कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या धर्म निरपेक्षता का पैमाना सिर्फ सहिष्णु हिंदुओं को ही संभालना होगा?